बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दफे मोदी कैबिनेट की शोभा बढ़ाते हैं तो उनकी जगह पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा, ये अहम सवाल इन दिनों भगवा गलियारे में तहलका मचा रहा है। और ना सिर्फ भगवा गलियारे में बल्कि तमाम मीडियाकर्मी या इस देश के नागरिक होने के नाते जिन लोगों की दिलचस्पी चुनावों में है, जिन लोगों की दिलचस्पी राजनीति में है, वो भी खूब चर्चा कर रहे हैं कि अगर मंत्रिमंडल में कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं अमित शाह तो उनकी जगह लेगा कौन। क्योंकि अब तो कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लगने लगा है कि उनके पास कोई अमित शाह नहीं है और यही वजह है कि वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी के पास अमित शाह है तो संगठन के लेवल पे उनके काम को और विस्तार दिया जाएगा, ना कि उनको किसी पोर्टफोलियो में बांध के रख दिया जाएगा। अगर बात हम संघ की करें तो उसकी पहली चॉइस नितिन गडकरी हैं, जो उनके सबसे भरोसेमंद में शुमार होते हैं। पर मोदी शाह की जोड़ी शायद ही गडकरी के नाम पर सहमत हो। शायद यही वजह है कि इस रेस में तीन और नाम नए उभर कर सामने आ चुके हैं। ये नाम कौन है हम बताते हैं हम आपको। ये नाम है जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय पे एक बार मैं फिर से यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी। ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिनके बदौलत पश्चिम बंगाल की जीत इतनी बड़ी जीत हो गई है। 2014 में दो सीटें और 2019 आते आते कैलाश विजयवर्गीय के बदौलत 18 सीटों पे पार्टी पहुंच गई है। हालांकि बहुत हद तक तो क्रेडिट अमित शाह को जाता ही है, लेकिन जमीन पे क्या कुछ चल रहा है, कैसे ममता बनर्जी के सिपा सलारों को उनसे दूर किया गया, कैसे बीजेपी में शामिल किया गया, ये तमाम रणनीति कैलाश विजयवर्गीय 2014 से ही वहीं बैठकर तैयार करते रहे। और सबसे ज्यादा उन्होंने वक्त दिल्ली में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में बिताया है। एक और नाम है गुजरात की राजनीति से, उनका हम जरा यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, जिनके नाम को लेकर चर्चा चल रही है, गोवर्धन झड़पिया। लेकिन इन नामों में कौन सबसे ज्यादा स्वीकार्य है इस पे हम फोकस करते हैं। जेपी नड्डा का नाम एक तरह से स्वीकारता के पैमाने पर सबसे ऊंचे पैदान के है, क्योंकि इस नाम पर न तो मोदी शाह को कोई आपत्ति है और ना ही संघ के इस नाम पर भवे तन रही है, क्योंकि नड्डा संघ के भी उतने ही दुलारे हैं, उतने ही करीबी हैं। बीजेपी की राजनीति को समझना है तो किसी भी चेहरे को लेकर अगर आपको लग रहा है कि इस पर यकीन किया जा सकता है तो सबसे पहले उस चेहरे को लेकर आप इस तरीके से आंकिए कि बीजेपी के साथ साथ क्या वो संघ के पैमाने पर भी फिट है या नहीं। अगर वो संघ के पैमाने पर फिट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उस नाम पे मुहर नहीं लग सकता है। यही वजह कि हमने तीन नाम गिनाया, लेकिन इसमें संघ की रसामंदी किस नाम पे हो सकती है इस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो गोवर्धन झड़पिया एक तरह से चौंकाने वाला नाम है। इस नाम की पैरवी सिर्फ मोदी की ओर से ही हो सकती है, क्योंकि झड़पिया मोदी के खास मित्रों में शुमार हैं और इस दफे के चुनाव में मोदी ने ही अपनी विशेष पहल से झड़पिया को यूपी भेजा था, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अगर अगला अध्यक्ष बनाने में अमित शाह की चली तो उनका वीटो कैलाश विजयवर्गीय के लिए हो सकता है, जिन्होंने इस चुनाव में ममता और उनकी तृणमूल की चूल्हे हिला दी है। विजयवर्गीय बहुत ही फोकस होकर एक आक्रामक तरीके से काम करते हैं, शाह को यही रणनीति सबसे मुफीद लगती है।